हाय, सो इस वीडियो में क्विक पॉइंटर्स के थ्रू हम एड्रेस करेंगे बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, दिल्ली एनसीआर के. हमारी वीडियो सिर्फ पोटेंशियल प्रॉपर्टी बायर्स या जिन्होंने खरीदी हुई है, उनके अलावा बिल्डर भी सारे देखते ही हैं, उनके प्रमोटर्स भी देखते ही हैं, उनको एड्रेस करेंगे क्या चेंजेस उनको करने चाहिए. लेकिन जो पोटेंशियल प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनको भी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले पॉइंट में अगर हम बात करें, बिना रेरा लाइसेंस रिसीव किए जो बिल्डर अब कस्टमर्स को रिटेल में सेल करना शुरू कर रहे हैं और कस्टमर से पेमेंट भी इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली इलीगल तो है ही, लेकिन ये प्रैक्टिस जो दोबारा स्टार्ट कर दिया कुछ बिल्डरों ने, नहीं करना चाहिए. अच्छा रियल एस्टेट क्लीन हो चुका है मार्केट, जो डेवलपर्स भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए. और जो कस्टमर्स हमसे पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस सेक्टर के अंदर 150 सेक्टर के अंदर कोई प्रोजेक्ट अगर कोई ला रहा है, अपना बिल्डर इस रेट में दे रहा है, इतनी पेमेंट वो ले रहा है, तो आपको ना हमसे पूछें, ना हम उस चीज़ों में डील करते हैं, ना हम आपको सजेस्ट करेंगे. क्योंकि जिन बिल्डर के पास उस लैंड की पेमेंट करने के लिए वो डिपेंडेंट है कि वो रिटेल में कस्टमर्स को बेचें, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके वो ज़मीन के पैसे दें, तो ये बिज़नेस उन लोगों के लिए है ही नहीं. तो जो भी डेवलपर्स इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको नहीं करनी चाहिए. दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं साइजेस को लेके. ऑल्दो काफ़ी डिस्कशन इस पॉइंट के ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो 2 बेडरूम तो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पेंट हाउसेस को भी आप अवॉइड कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. 3 बेडरूम जो आप स्टार्टिंग 2200 या 2500 स्क्वायर फीट से कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद 1700-1800 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 3 वॉशरूम टाइप का साइज, या फिर इनफैक्ट आप 1300-1400 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 2 वॉशरूम टाइप का भी कोई साइज निकाल सकें तो निकालें. लेकिन इसमें जो बिल्डर का इशू है कि वो, क्योंकि हर बिल्डर जितना FAR उस सेक्टर में उस लोकेशन में अलाउड होगा, इसके बारे में हमने डिटेल में पहले कई बार बात करी हुई है, तो आई एम श्योर कि आपको अंडरस्टैंड होता होगा. लेकिन जितना FAR अलाउड है किसी भी एरिया में, किसी भी प्लॉट में, हर बिल्डर पूरा कंज्यूम करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है. तो अगर साइजेस वो कम करेगा तो डेवलपर की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि उसको डेंसिटी थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी. लेकिन फिर भी आप साइजेस अगर स्टार्ट करें, कुछ लिमिटेड यूनिट्स लाएं, आप 1300-1400 स्क्वायर फीट की, 1700-1800 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम 3 वॉशरूम, 2200 स्क्वायर फीट के आसपास, 2300 स्क्वायर फीट के आसपास 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट वाले साइजेस, और 3000 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम जो मोस्ट डिमांडेड साइज हैं, अगर इस रीजन की वजह से आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि FAR ज्यादा अलाउ करती है गवर्नमेंट, तो आप टावर की हाइट को इंक्रीज कर दें, जितना आप ऊपर तक लेके जा सके उतना, जितना अलाउड हो उतना कर दें. उससे क्या होगा कि डेंसिटी ज्यादा होने के बाद भी ओपननेस सोसाइटी में बनी रहेगी. और दूसरा एस्पेक्ट ये कि डेंसिटी के बेसिकली 2 ही तो फ्लो है ना, एक तो क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे, तो अगर आप कम टावर्स ज्यादा हाई राइज के बना देंगे तो वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी. और दूसरा ये कि आप जो एमिनिटीज और क्लब हाउस हैं वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा न रहे, तो वो एरिया को बड़ा कर दें, क्लब हाउस को और बड़ा कर दें जितना आप प्लान कर रहे थे, लेकिन साइजेस को थोड़ा छोटा करें. थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे सुपर एरिया की, लोडिंग की, कारपेट एरिया की, डेवलपर्स को किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए. अभी रिसेंटली प्रतीक एडिफाई सेक्टर 107 नोएडा के अंदर भी वहाँ के रेजिडेंट्स ने FIR किया प्रतीक डेवलपर के ऊपर कि उनके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है आप गूगल करके आप देख लीजिएगा एग्जैक्टली क्या वहाँ पे इशू हुआ है. सो सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, एक्सक्लूसिव एरिया यानी बालकनी एरिया, इन चारों टर्म्स को आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए. अब इसमें ना एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि सारे डेवलपर्स सेल करते हैं सुपर एरिया के ऊपर, प्राइस लिस्ट बनाते हैं सुपर एरिया के ऊपर, लेकिन कुछ डेवलपर्स जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना के देते हैं कस्टमर्स को तो उसके अंदर सुपर एरिया मेंशन ही नहीं करते, वो कारपेट एरिया और एक्सक्लूसिव यानी बालकनी एरिया को ही मेंशन कर रहे हैं. तो एक तो उससे प्रॉब्लम है, अगर आपने सेल उसको सुपर एरिया में किया है तो आपको एटलीस्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे मेंशन करना चाहिए. और दूसरा ये कि जब आप EOI वाले प्रोसेस से अलॉटमेंट वाले प्रोसेस पर जाते हो, जिस दिन कस्टमर बुकिंग कर रहा है उस दिन कस्टमर को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो किस साइज का सुपर एरिया का फ्लैट है और उसके अंदर कितनी लोडिंग है, क्या बिल्टअप एरिया है, क्या कारपेट एरिया है, क्या बालकनी एरिया है. इसकी क्लैरिटी सीधा बिल्डर बायर एग्रीमेंट के टाइम पे नहीं होनी चाहिए. मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लैरिटी से, पारदर्शिता से अलॉटमेंट के टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे कस्टमर को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए. सो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की. ऑल्दो ब्रीफली इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात करी थी, अब जो डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक ला रहे हैं, क्योंकि अब वैसे इतना तेजी का टाइम है, पेमेंट प्लान का नेगोशिएशन तो कोई कस्टमर कर ही नहीं रहा, लेकिन अगर आप CLP का पेमेंट प्लान ला रहे हैं तो आप इस तरह का ना लाएं कि 80-90% उनका सुपर स्ट्रक्चर तक पे हो जाए, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के और पोजेशन मिलने के बीच में ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम है फिनिशिंग का, अगर वो भी तब जब डेवलपर अच्छे तेजी के साथ काम करे. तो इस तरह का आपको नहीं लाना चाहिए पेमेंट प्लान, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए पेमेंट प्लान. वी अंडरस्टैंड कि अभी के मार्केट में 20-80, 30-70 इज नॉट फिजिबल, लेकिन आप 30-40, 30-30, 30-40 या 25x4 इस तरह के जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है उसी तरह के पेमेंट प्लान को लाना चाहिए. अगर इन पेमेंट प्लान को लाने से कॉस्ट को थोड़ा इंक्रीज भी किया जाए, अगर थोड़ा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके कॉस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज भी करना पड़े
आप कॉस्ट को थोड़ा इंक्रीज करें लेकिन प्रॉपर्टी को लेना थोड़ा आसान करें। सो नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके, वर्चुअल कमर्शियल की दुकान या ऑफिस या किसी भी कैटेगरी का आपको वर्चुअल लाना आप बंद कर दें। हमारे जैसे लोग ऑलरेडी एजुकेट कर ही रहे हैं कस्टमर्स को कि आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, तो आपके पास अननेसेसरी आप रियलाइज करेंगे 2 साल बाद 4 साल बाद जब उस प्रोजेक्ट का पोजेशन आने वाला होगा कि आपके पास डेड इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ जाएगा। बेटर यह है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक टेनेंट 10,000-20,000 स्क्वायर फीट में कोई एंकर स्पेस में आप बड़ा टेनेंट लाना चाहते हैं, तो बेटर यह है कि आप उस स्पेस को राधर देन 100-200 फुट करके आप वर्चुअल तरीके से बेचने के, आप उस इन्वेंट्री को होल्ड करें पोजेशन तक। अगर आपको बेचना ही है बेटर है कि आप अपने भी रेंटल बनाएं, अपना भी स्टेक इस प्रॉपर्टी के अंदर डालें, लेकिन अगर आपको फिर भी बेचना ही है तो बेटर है कि पोजेशन पे 10,000-20,000 स्क्वायर फीट को रेंट आउट करके किसी टेनेंट को, किसी अच्छे HNI को आप बेचें या फिर किसी फंड मैनेजमेंट कंपनी को बेचे, रात दिन आप रिटेल में 100-100 फुट के टुकड़े बेचने के। नेक्स्ट पॉइंट भी कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके ही, अगर हम डेवलपर्स को बताएं कि आप एश्योर्ड रिटर्न, ये जो ब्याज वाला आप इतना पैसा दें आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, हर महीने मिलेगा, पोजेशन पे लेस होगा, इस वाली स्कीम का ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बारे में लोगों को ऑलरेडी एजुकेशन हम दे ही रहे हैं कि ये प्राइस को फैक्टर इन करके ही आपका ही पैसा आपको दिया जाता है। इससे बेटर है कि आप ये एश्योर्ड रिटर्न वाला जो स्कीम है इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दें। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बिल्डर को समझाएंगे, ट्रांसफ़र चार्जेस और ट्रांसफ़र कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, इसकी क्लैरिटी कस्टमर को बुकिंग के टाइम पे पता होनी चाहिए। ज़्यादातर ऑल दो डेवलपर्स ये बता देते हैं कि हम पोजेशन तक आपको सेल नहीं करने देंगे, या फिर कुछ डेवलपर्स ये बताते हैं कि आप इस पेमेंट माइलस्टोन के बाद आप सेल कर सकते हो, या फिर आप इतने टाइम के बाद, आप लॉक इन पीरियड है उसके बाद आप सेल कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट को। लेकिन एक तो ये चीज़ कस्टमर को पहले से क्लैरिटी से पता होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ बुकिंग ओनली कि उनको रीसेल अलाउ है या नहीं है, अगर है तो कितने पेमेंट माइलस्टोन या कितने टाइम के बाद है, और जिस दिन बायर अपना इन्वेंट्री को सेल भी करेगा उनको ये भी बुकिंग के टाइम पे पता होना चाहिए कि कितना ट्रांसफर चार्जेस डेवलपर लेगा। जैसे कई सारे डेवलपर्स हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि 1,000-1,000 रुपए फुट का ट्रांसफर चार्जेस ले रहे हैं, 1,500-1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का ट्रांसफर चार्जेस ले रहे हैं रेजिडेंशियल कैटेगरी में। तो ये जो ट्रांसफर चार्जेस, एक तो आप ट्रांसफर कब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी, और दूसरा कितना आप ट्रांसफर चार्जेस लेंगे जिस टाइम वो ट्रांसफर करेंगे अपना यूनिट, आपको ये क्लैरिटी से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बताएंगे, ऑल दो मेजरली डेवलपर्स इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो डेवलपर्स फॉलो नहीं करते, आप अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन की अपडेट, सबसे ईजी तरीका है आप एक यूट्यूब चैनल बना लें अपने डेवलपर का, ऑल दो सबके बने ही हुए हैं, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन का अपडेट आप हर प्रोजेक्ट का एवरी मंथ, एवरी सेकेंड मंथ, एवरी क्वार्टर, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन जरूर अपडेट करते रहें, सो दैट कि जिस कस्टमर ने आउट स्टेशन से या फॉरन से किसी NRI ने किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको एटलीस्ट पता चलता रहे कि उसकी प्रोजेक्ट उसकी इन्वेस्टमेंट में क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट चल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ कैंसिलेशन या रिफंड, अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो उसके अंदर क्या पॉलिसी है। ऑल दो जिस भी स्टेट के अंदर वो प्रोजेक्ट है उसमें रेरा की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंगली वो फॉलो करना पड़ता है डेवलपर को भी और कस्टमर को भी, लेकिन उन पॉइंट्स को आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लियरली मेंशन करें कि इस स्टेज पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रिफंड मांगते हैं तो आपका रिफंड हो जाएगा। ऑल दो नो एग्रीमेंट कैन सुपरसीड द लॉ ऑफ लैंड, मतलब अगर किसी बिल्डर ने ये लिख के दे दिया कि अगर आपने कुछ भी टोकन अमाउंट दिया आपको हम रिफंड नहीं करेंगे, अगर उस स्टेट में रेरा ने ये बोल रखा है कि आप जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे आपका अमाउंट रिफंडेबल है, ऐसा बिल्डर कुछ भी लिख देगा तो ऐसा नहीं है कि वही रूल हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी उस स्टेट का रेरा का रूल है उसको आप क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन करें। और कस्टमर को भी ये बोलूंगा कि आपको भी पता होना चाहिए बिफोर एंटरिंग, बिफोर गिविंग द टोकन, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे आगे तो आपका रिफंड का क्या स्टेटस है, क्या प्रोसेस है। और लास्ट पॉइंट जो हम एड्रेस करेंगे बिल्डर को वो ये है कि आप पोजेशन जब ऑफर करते हैं, यानी कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट कस्टमर से लेते हैं ऑफर ऑफ पोजेशन वाली, तो वो आप पोजेशन से एक दो महीने पहले ही लें, यानी कि जितना टाइम आपको एक्चुअल फ्लैट को रेडी करने में, एक महीने का टाइम वैसे बहुत होता है एक्चुअल फ्लैट को रेडी करने में, उससे एक महीने पहले आप वो लास्ट इंस्टॉलमेंट लें। कुछ बिल्डर ऐसा करते हैं कि लास्ट इंस्टॉलमेंट ले लेंगे वो 6-8 महीने पहले, अभी ना तो उस प्रोजेक्ट का क्लब हाउस कंप्लीट है ना उसके अंदर एमिनिटीज या बाकी लिफ्ट्स कंप्लीट हैं। तो जो भी बिल्डर इसको फॉलो कर रहे हैं कि ऑफर ऑफ पोजेशन और एक्चुअल फ्लैट का पोजेशन देने में और सारी एमिनिटीज के साथ स्पेसिफिकली, चाहे जो भी आपने बताई है सोसाइटी के अंदर, उसके बीच का जो डिफरेंस है हार्डली 1 या 2 महीने का होना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से डेवलपर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अप्लाई करेंगे और कस्टमर्स को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर ऐसा है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, वील सी यू नेक्स्ट टाइम।